आपसी विवाद हो गया जानलेवा। जी हाँ, वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के अंजनी गांव में आपसी विवाद को लेकर दरवाजे के समीप एक युवक को चाकू कैंची से गोद कर उसे घायल कर दिया गया। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से मौके पर एक अभियुक्त को पकड़ लिया, बाकी सभी अभियुक्त वहां से फरार होने में कामयाब रहे। परिजनों द्वारा घटना की सूचना इस मौके पर दी गई पुलिस को, तो पुलिस पहुंची और पकड़े गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया। जानकारी के अनुसार अंजनी गांव में शनिवार लगभग 4 बजे अपने दरवाजे के समीप सड़क पर मनोज शाह के पुत्र राजू कुमार टहल रहा था कि ग्रामीण कई लोगों के साथ बाइक से आकर राजू कुमार के साथ मारपीट करने लगे कुछ लोग, और साथ ही चाकू और कैंची से उसके गर्दन और पेट पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। दरवाजे पर खड़े लोगों ने घायल राजू की आवाज सुनी तो दौड़कर अभियुक्त को पकड़ा। एक अभियुक्त तो पकड़ा गया, लेकिन बाकी वहां से मौके से फरार होने में कामयाब रहे। अभियुक्त की जमकर धुनाई की गई। मौके पर थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। पकड़े गए अभियुक्त अंजनी को गांव निवासी नंद किशोर सिंह बताया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया है। मामले में थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि परिजनों द्वारा आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ? सुबह सुबह हुआ कि आज लाश यहाँ पर गिरेगा, तो राम प्रसाद आकर बोला आज यहाँ पर एगो लाश गिरेगा, गोली बंदूक भी छूटेगा, जे बोला से बोले। और उसके बाद हुआ कि यही एक घंटा पहले हुआ कि उधर से आया लेके, उसके बाद हम बोलबो किए हैं कि सर देखिए अपना घर में कि देखिए वह सब आ गया है, सब गाड़ी से लेके दुगो से आया आ इस जगह उतारा आ सब उतरा आ उतार के उसके बाद में समय अपने अपने बोलते बोलते में झगड़ा ला सब करने लगा, करते करते में सब मिल के 5-10 आदमी था, 200 मिल के सब उसको चक्कू भोंक दिया। मेरा राजू कुमार के भोंक है, मेरा लड़का है राजू कुमार, मेरा बेटा है, गर्दन में भोंका और उसके बाद पेट में कितना जगह भोंका से हमको पता नहीं। ये आपके शरीर में शरीर के उसको हम पकड़े हुए थे, खून लगा हुआ है, उसी का रजुए के खून लगा हुआ है, मेरा बेटा वाला सारा खून लगा हुआ है, वहां पर खून देखिए हम गिरे हैं, वहां पर खून देखिए इसका खेल, उसको छोड़ा नहीं के निकला हुआ है। उर्मिला कुमारी